How to fix Snapchat can't view some videos problem। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का थिकराज YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आपके Snapchat के साथ भी ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है और आप Snapchat यूज़र है और उसके अंदर पे भी दोस्तों आप कोई वीडियोस को देख नहीं पा रहा है, तो इसके पीछे में दोस्तों क्या रीज़न्स हो सकते हैं और किस वजह से प्रॉब्लम आ रहा है, कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, आज के इस वीडियो पर मैं आपको इसके रिगार्डिंग पे सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। ठीक है, कई बार दोस्तों क्या होते हैं, स्नैपचैट पर जो वीडियोस रहते हैं हम उसको देख नहीं पाते। ठीक है, तो कोई यहाँ पे दोस्तों इश्यूज हो जाते हैं, उसके वजह से हमें स्नैपचैट पर ऐसा प्रॉब्लम करते हैं। तो इसको फ़िलहाल दोस्तों क्या सॉल्यूशन करना होगा, कैसे सॉल्व करना होगा, वो सब कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो पे। तो वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिए। वीडियो शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिल सके। अगर आपको ऑनलाइन पैसा कमाना है तो दोस्तों वीडियो डिस्क्रिप्शन आप लिंक चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले चीज़ आपके मोबाइल के नेटवर्क के वजह से हो सकते हैं। ठीक है, तो नेटवर्क फिक्स करके देखिए, अगर उससे सॉल्व हो जाते हैं तो ठीक है, अगर नहीं होते तो मैं आपको दूसरा सॉल्यूशन भी बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले हम जाएंगे सिस्टम पर और यहाँ पे रिसेट ऑप्शन पे जाके नेटवर्क को रिसेट करेंगे और उसके बाद में देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम नेटवर्क प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे सबसे पहले। उसके लिए आपको रिसेट वाईफाई मोबाइल एंड ब्लूटूथ पर क्लिक कर देना है, अपना सिम सेलेक्ट करना है जिसमें आप डेटा कार्ड यूज़ करते हैं। उसके बाद रिसेट सेटिंग पर क्लिक करके आपको मोबाइल पासवर्ड एंटर करना है और उसके बाद में रिसेट सेटिंग कर देना है। और यहाँ पे दोस्तों आप जब रिसेट करोगे अपना नेटवर्क सेटिंग को, तो आपका जो प्रॉब्लम है नेटवर्क का वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि वाईफाई काम नहीं कर रहा है या फिर इंटरनेट काम नहीं कर रहा है, वो सब कुछ यहाँ पे काम करेगा। सारे साथ में दोस्तों आपका जो APN सेटिंग है उसको भी रिसेट कीजिए। उसके लिए वाईफाई नेटवर्क पर जाना है, सिम नेटवर्क को सेलेक्ट करके सिम सेलेक्ट करना है और एक्सेस पॉइंट रिसेट टू डिफ़ॉल्ट कर देना है। उसके बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, प्ले स्टोर में जाके आपको अपना स्नैपचैट अपडेट करना होगा। ठीक है, सो जाइए आप अपने प्ले स्टोर में और उसके बाद में अपडेट कर लीजिए। जैसे ही दोस्तों आप स्नैपचैट को अपडेट करेंगे, सेटिंग पर जाइए। सेटिंग पर जाके दोस्तों ऐप एंड नोटिफिकेशंस को ओपन कीजिए, सी ऑल एप्स पर जाइए। स्क्रॉल डाउन करते हुए आपको नीचे जाना है, नीचे आपको मिलेगा यहाँ पर स्नैपचैट का ऑप्शन, तो उसमें क्लिक करके आपको कर देना है फोर स्टॉप। उसके बाद में आपको स्टोरेज इन कैश पर जाना है, इसका कैश को क्लीन करना है, डेटा को नहीं। ठीक है, तो कैश क्लीन कर दीजिए, उसके बाद में सारे परमिशंस अलाउ कीजिए, डेटा एक्सेस चेक कर लीजिए मोबाइल डेटा एंड वाईफाई में जाके बैकग्राउंड डेटा को इनेबल करके। ठीक है, सो यहाँ पर आपको डेटा एक्सेस ऑन कर लेना है और उसके बाद में दोस्तों आप स्नैपचैट पर जाइए और चेक करके देखिए। दोस्तों सॉल्व हो जाएगा आपका प्रॉब्लम, इससे अगर सॉल्व हो जाते हैं तो ठीक है, अगर इसके बाद भी प्रॉब्लम आ रहा है तो फिर आप क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों आप जाइए सेटिंग पर, ऐप एंड नोटिफिकेशंस दोबारा से ओपन कीजिए, उसके बाद आपको सर्च करना होगा स्नैपचैट, उसके बाद स्टोरेज एंड कैश पर जाइए एंड स्टोरेज को क्लियर कर दीजिए। स्टोरेज क्लियर करने के बाद दोस्तों परमिशंस को अलाउ कीजिए। ठीक है, सारे परमिशंस अलाउ करते हुए आप बैक कीजिए और फिर री लॉगिन कीजिए अपना स्नैपचैट को। री लॉगिन करने के बाद दोस्तों आप चेक कर लीजिए, सॉल्व हो चुका होगा आपका प्रॉब्लम। ठीक है, सो इस तरीके से आप यहाँ पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप कोई वीडियोस को या फिर कोई स्टोरी को देख नहीं पा रहा है स्नैपचैट में, तो उसके वजह से आपको ये सॉल्यूशन करना होगा। एंड मेक श्योर कि आपके मोबाइल पे स्टोरेज स्पेस रहे। अगर आपके मोबाइल पे स्टोरेज कम है, ठीक है, स्टोरेज लो प्रॉब्लम आ रहा है, तो आपको स्पेस बनाना पड़ेगा, उसके बाद में आप चेकआउट कीजिए। ठीक है, तो उससे आपका प्रॉब्लम ज़रूर फिक्स होगा। तो ये दोस्तों आप सॉल्यूशन करके सॉल्व कर सकते हैं आपका स्नैपचैट प्रॉब्लम। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।